Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today I am going to start a new video on the concept of elasticity of demand. Elasticity of demand का जो concept है वो आपके business economics subject में आता है and this concept is most important from theory perspective as well as from practical perspective also. क्योंकि इसमें जितने भी हम methods पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा practical questions को denote करते हैं as well as theory questions को भी denote करते हैं and ये course BCom students के लिए भी beneficial है as well as MCom students के लिए भी beneficial है. And the students who are preparing for the NTA NET exam for commerce background or for management background, unke liye bhi ye course beneficial hai. So let's get started with the video. Meaning of elasticity of demand. मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहती हूँ. लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क क्या है. देखो, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस, अगर आइसक्रीम गुड ले रही हूँ मैं, अगर आइसक्रीम का जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स मेरी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. इनकम वही, मैं 100 रुपये कमा रही थी, आज भी 100 रुपये ही कमा रही हूँ, कल भी 100 रुपये ही कमाऊंगी, तो मेरी इनकम कॉन्स्टेंट है, ठीक है. और मेरे हैबिट्स भी कॉन्स्टेंट है, मेरे टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस भी कॉन्स्टेंट है, ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट. तो जब आइसक्रीम का प्राइस बढ़ता है तो आइसक्रीम की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. इट इज बीइंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. या जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स देन डिमांड फॉर आइसक्रीम इंक्रीजेस, दैट मीन्स इन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर मैं सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रख दूं और एक फैक्टर जो प्राइस है उसको चेंज करूं, अगर बढ़ाता हूं तो डिमांड घटती है और अगर कम करता हूं तो डिमांड बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है या प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, ठीक है. इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज. डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर इंक्रीज जा रहा है तो डिमांड नीचे घट रही है, डिक्रीज जा रही है, नीचे आ रही है. अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डिमांड ऊपर जा रही है. इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या डायरेक्शन आ रही है वो बताते हैं, राइट. दैट मीन्स वेन प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सटेंड्स, प्राइस फॉल्स तो डिमांड एक्सटेंड्स, राइट. एंड व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. इसलिए बोलते हैं इसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. अभी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाऊंगी ना, फिर आपको पता चलेगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फर्क होता है. अब आ जाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. इट टेल्स अबाउट हाउ मच द डिमांड ऑफ अ गुड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस. इसका मतलब क्या है? जो प्राइस आइसक्रीम का बढ़ा तो अब आइसक्रीम की डिमांड घटेगी, बट कितने से घटेगी ये तो बताओ. तो ये जो आपको बताता है वो कौन होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो डिमांड आपकी 30% से घट रही है. तो जो 10% और 30% का चेंज आ रहा है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज वाई इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. एंड लॉ ऑफ डिमांड इज नोन एज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बिकॉज इट टेल्स ओनली द इंक्रीज और डिक्रीज, बट विद हाउ मच इट डज नॉट टेल. हाउ मच वाला कंसेप्ट कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. डायरेक्शन वाला कंसेप्ट कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड. समझ आ रहा है? तो इट स्टेट्स व्हेन प्राइस राइज. देखो, प्राइस कितने से राइज हो रहा है? 20% से. जो डिमांड कितने से फॉल हो रही है? 50% से. तो जो चेंज आ रहा है ये परसेंट में दिया हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और कौन सा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्या है जो आपको चेंज बताता है इन नंबर्स में, एन फॉर नंबर्स या परसेंटेज में कितना, हाउ मच, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. एंड जो बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंज जस्ट एज इंक्रीज और डिक्रीज बट नॉट विद हाउ मच, इट इज द लॉ ऑफ डिमांड. यहां तक समझ आया आपको? J.S. Mill एंड Cornett, ये प्लीज नाम याद रखिएगा, J.S. Mill एंड Cornett, ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट लेकर आए थे. तो अगर क्वेश्चन आता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट किसने फॉर्म्यूलेट किया था, लेकर J.S. Mill और Cornett आए थे, बट जो एल्फ्रेड मार्शल, इसका ना पूरा नाम होता है एल्फ्रेड, A L
एफ आर ई डी, एल्फ्रेड मार्शल या डॉक्टर मार्शल भी बोल सकते हैं आप, इसने उनके जो कंसेप्ट को लेकर आया था उसको डेवलप किया था अपनी बुक्स ऑफ किस में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो दो चीजें याद रखना, जेएस मिल और कॉर्नेट सिर्फ उसने इंट्रोड्यूस किया था। फॉर एग्जांपल मैं एक कंसेप्ट को उठा के लेकर आ गई, बस उस कंसेप्ट को एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करके डेवलप कौन किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में, कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, राइट। अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा रही हूँ, मैं आपको प्राइस नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं समझा रही हूँ, ठीक है, दोनों में फर्क है, अभी बता चुकी क्या। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या, एक फैक्टर में चेंज होने से दूसरे फैक्टर में क्या चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, मेरी इनकम कम हो जाती है, पहले मैं 100 रुपए की मैं कमाती थी और मैं क्या एक आइसक्रीम खा पाती थी, 5 आइसक्रीम खा पाती थी। आज अगर मेरी इनकम कितनी हो गई, 50 रुपए, तो मुझे और भी तो चीजें करनी है ना, 5 आइसक्रीम नहीं खाती, 1 आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो जब मैंने अपनी इनकम को कम करा, इनकम के अंदर चेंज लाई, तो मेरी डिमांड के अंदर भी चेंज आ गया। तो जब एक वेरिएबल या फैक्टर में चेंज आता है, उसके चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आ रहा है? इन द वर्ड्स ऑफ डूले, डूले एक आपका ऑथर है, उसने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस और प्राइस ऑफ अदर गुड एंड चेंजेस इन कंज्यूमर। वो कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 वजह से चेंज होती है। या तो आप किसी प्राइस ऑफ अ गुड में चेंज लाओ तो उसकी डिमांड पे चेंज होगा, या आप उसके अदर गुड्स पे चेंज लाओ। अदर गुड्स का क्या मतलब होता है, अगर टी है तो टी का कॉफी जो है वो सब्स्टिट्यूट है, तो अगर टी के प्राइस में चेंज लाती हूं तो कॉफी की डिमांड पे भी चेंज होगा। तो इट इज अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस दूसरे गुड का चेंज कर रही है और डिमांड दूसरे गुड की चेंज हो रही है। एंड इनकम में अगर चेंज करती हूँ, वही मैंने आपको बताया, 100 रुपए कमाती थी, 5 आइसक्रीम खाती थी, फिर मैंने 50 रुपए कमाने लग गई तो मैंने 1 आइसक्रीम खानी। तो जब इनकम में चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी चेंज आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेन कंसेप्ट है कि तीन वेरिएबल्स में एट अ टाइम नहीं, अलग अलग टाइम पे चेंज आता है, तो आपकी डिमांड की चेंज होती है, उस चेंज को मेजर करता है एज अ इलास्टिसिटी। समझ आ रही है? तो इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि आप अपनी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू वन वेरिएबल चेंज, या तो वो प्राइस ऑफ अ गुड चेंज हो रहा है बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट हो रहे हैं, या प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज हो रहा है बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट हो रहे हैं, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रही है और बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट हो रहे हैं। तो डिमांड में क्या इफेक्ट आया ड्यू टू दिस वेरिएबल, वी मेजर, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, समझ आ रहा है आपको? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बस यही से मेन कंसेप्ट था, हमने बस अभी मीनिंग पढ़ा है। दो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने कंसेप्ट को फॉर्मुलेट किया, फिर एक और इकोनॉमिस्ट आया जिसने डेवलप किया अपनी बुक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्चुअल मतलब क्या है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और थम्स अप करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड जितना ऑब्वियसली बात है, जितने नॉलेज शेयर होगी वही मेरे लिए वो बेस्ट गिफ्ट होगा आप लोगों की तरफ से, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड